तो आपके सामने दिखना होगा एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर। तो ये फिलहाल खराब है क्योंकि इसे हम डीसी पर बनाने वाले। देख रहे हो यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी है, एक मोटर है 12 वोल्ट का, इसे हमने खोल देना है। आपको चेक करके दिखा देंगे यहाँ पर ये चालू है बंद है। तो ये मिक्सर जो है ये होता है मिक्सिंग जूसर ग्राइंडर। तो इसे हम इसकी मोटर चेंज करेंगे लेकिन डीसी में करेंगे। ये एसी करंट में है तो इसे हम डीसी में बनाने वाले हैं। उसी प्रकार से इसमें ये काम करता है ये नहीं करता है, आप यहाँ पर बने रहिए। उसी प्रकार से हम इसे डीसी में करेंगे। अगर लाइट कभी कभार चली जाती है अपने यहाँ से तो हम मिक्सर का यूज़ नहीं कर सकते। इस कारण से यहाँ पर मैं ये डीसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो डीसी में तो होगा, फिलहाल अच्छी तरह से बनता है या नहीं बनता है आप यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम इसके स्क्रूज जो है यहाँ से निकालेंगे और पीछे की चीज़ जो मोटर है उस मोटर को देखेंगे किस प्रकार का मोटर है। अगर डीसी है एसी है उस मोटर की जगह पर हम किस प्रकार से फिटिंग करेंगे ये यहाँ पर दिखाने वाले। तो इस मोटर को हम निकाल लेंगे, अब इसको बिठा देंगे डीसी मोटर को। ठीक है, डीसी है और वो है जो एसी है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे इस फुल्ली को निकालेंगे ताकि ये फुल्ली हमें लगने वाली है। इसी प्रकार का यहाँ पर बर्तन इसके ऊपर लगता है। तो ये रबर के नीचे इसके स्क्रू है, स्क्रू को हम यहाँ से खोल लेंगे और मोटर को साइड में लगा लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें दूसरी मोटर को फिट कर सकते हैं जो कि डीसी में है। ठीक है, एसी करंट को वैसा भी मोटर इसमें बैठेगा, इसका ही मिक्सर ग्राइंडर जूसर का। तो यहाँ पर हमें लगाना है डीसी मोटर, वो भी 12 वोल्ट पर। ठीक है, इसे हम पूरी तरह से यहाँ से निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि अपना जो जूसर है वो यहाँ पर चलता है नहीं चलता है। ठीक है, और आप अगर नए हो तो चैनल पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ से हमने इस मोटर को खोल लिया है, इसके स्क्रू को साइड में निकाल लेंगे, वायरिंग को कट करेंगे, जो वायरिंग की हमें ज़रूरत नहीं उस वायर को हम यहाँ से कट कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें इस मोटर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम साइड में रख देंगे। ठीक है, आप देखेंगे अपना जो डीसी मोटर है वो इसमें फिट बैठता है या नहीं, या किसी और सहायता से हम इसे पिटा देंगे। देख रहे हो इस प्रकार से यहाँ पर ये बीट रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका जो नोजल है वो ऊपर गया है, इस कारण से ये नहीं बैठेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम किसी और सहायता से इसे हम यहाँ पर फिट करेंगे ताकि हमारा जो मोटर है पूरी तरह से जैसा परफेक्ट था उसी प्रकार से उस जगह पर बैठे। यहाँ पर हम इस स्टिक को काटेंगे और इस पे हम मोटर बैठाएंगे क्योंकि यहाँ पर जिस जैसे हमें चाहिए था उसी प्रकार से इसमें मोटर नहीं बैठ रहा है, इस कारण से हमें इसे काट कर इस जगह पर बिठाना है। स्टेयर को काट के हम यहाँ पर मोटर के लिए जगह बनाएंगे इस होल से और यहाँ पर शोल्डर की सहायता से हम इसे जलाएंगे और मोटर को यहाँ पर फिट करेंगे। फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ स्क्रू लगाने के लिए कहाँ पर हमें होल मारने होंगे या कहाँ पर हम यहाँ पर डिज़ाइन करके इसे काट लेंगे फिक्स जैसे बने वो इसी तरह से। मार्कर से यहाँ पर टिक कर दिया है, अब इसे हम जलाएंगे और बनाएंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर हमें इसे शोल्डर की सहायता से इसे गोल करना है ताकि इधर उधर मोटर जो है हमारा ना बैठे। देख सकते हो किस प्रकार से मैंने यहाँ पर इस डीसी मोटर को यहाँ पर अटैच किया है ताकि हम यहाँ पर फिट एंड फाइट यहाँ पर बिठा सके। अब शोल्डर की सहायता से यहाँ पर होल मारेंगे जहाँ पर हमें इसका स्क्रू को बिठाना है। फिर देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरह से डेकोरेशन की सहायता से मैं यहाँ पर शोल्डर से हम यहाँ पर होल मारेंगे जो स्क्रू हमारे बैठे वाले हैं, क्योंकि मोटर भी हिलना नहीं चाहिए। ग्राइंडर मिक्सर मिक्सर है, ये वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के लिए हम यहाँ पर इसकी शोल्ड करके इसे स्क्रू से अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तीन ही स्क्रू के हमने यहाँ पर होल बनाए ये, और होल बना के हम यहाँ पर स्क्रू की सहायता से इसे प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो किसी प्रकार से मैंने यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ से डिजाइन किया है ताकि कोई भी गलती यहाँ पर ना हो। हम स्क्रू की सहायता से यहाँ पर लगाएंगे नट बोल्ट। ठीक है, नट बोल्ट को यहाँ पर अच्छी तरह से हमें जाम करना है, तीनों ही नट बोल्ट यहाँ पर इस प्रकार से लगाने हैं ताकि हमारा मोटर भी है जो ऊपर की तरफ अगर कभी ग्राइंडर भी निकाला तो भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं होना चाहिए और निकल भी नहीं चाहिए। ठीक है, पकड़ की सहायता से हम यहाँ पर इसे लपेटेंगे। अब यहाँ पर बाकी रहता है हमारा जो वायरिंग है, कनेक्शन है, वो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर पुल्ली इसके ऊपर कैसे लगाएंगे वो भी यहाँ पर बने रहेगा ताकि आपको वो पूरी जानकारी यहाँ से मिले।
तो हम गोंद की सहायता से या किसी और सहायता से यहाँ पर ऊपर का जो परिधा है वो चिपका लेंगे और शोल्डर की सहायता से हम यहाँ पर वायरिंग करेंगे जो बटन स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए स्पीड कंट्रोल ये स्विच ऑफ। ठीक है, तो डीसी मोटर है इसलिए स्पीड कंट्रोल यहाँ पर होगा, पहले भी होता था एसी में भी। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर पूरी तरह से जो हमारी वायरिंग है वो फिक्स हो गई है या नहीं। अब हम यहाँ से चेक करेंगे इस मिक्सर को, देख रहे हो कुछ खराबी आ गई है, हम यहाँ पर वायरिंग चेंज करेंगे। अगर वायरिंग की पूरी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके लिए मैं दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो यहाँ पर हमने इसे वायरिंग अच्छी तरह से करी है, अब यहाँ पर हम इसे पैक करेंगे और चेक करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। स्क्रू इसे टाइट कर लेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर हम इसे टाइट कर लिया थोड़ा सा नॉर्मल सा ताकि आपको दिखा सकूँ। अब यहाँ पर चेक करेंगे, देख रहे हो इस प्रकार से मोटर यहाँ पर घूम रहा है। अब इसके ऊपर का जो बर्तन है वो भी लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो मोटर है वो खींचता है या नहीं। बाकी रहा जूस निकालने का, जूस भी निकाल के हम दिखाएंगे, वो भी डीसी मोटर से। अभी लाइट गया तो भी चलेगा, नहीं गया रहा तो भी चलेगा, चार्जिंग है तो मिक्सर चलेगा, इसे लाइट पर भी हम चला सकते हैं। इसके ऊपर का जूसर में जो बर्तन है वो यहाँ पर लगा दिया है, देखो कितनी स्पीड है जो कि स्पीड से ये यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, ऊपर का बर्तन हम लगा के यहाँ पर चेक करते हैं, पूरी बॉडी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, चेक कर लेते। इसमें जितनी पावर है वो पावर इसमें दिखाई दे रही है, देख सकते हो। अब इसे हम चला सकते हैं डीसी मोटर, चार्जर, डीसी चार्जर, मतलब एसी में करंट से भी चलाएंगे और डीसी में भी चलाएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कोई कमेंट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।